आर्यभट्ट पाठशाला पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न संख्याओं का योग। तीन भिन्न संख्या दी गई है, इनका हम योग करेंगे। तो सबसे पहले हमें अगर इस रूप में भिन्न रूप में संख्या दी गई होती है तो इनको जान लेते हैं। ये ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको कहते हैं हम अंश, और नीचे वाली जो संख्या होती है इसको कहते हैं हर। तो इन तीनों जो संख्या हर में दी गई है इनका हम अभाज्य गुणनखंड करके लघुतम समापवर्ती एलसीएम जिसको कहते हैं लस वो निकालते हैं। तो 4, 5 और 25 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में 2 का भाग जाएगा 4 में 2 बार, जिसमें नहीं जाता उसको वैसे के वैसे ही हम उतार देते हैं। फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार और 5 को और 25 को वैसे के वैसे उतार देंगे। अब जाएगा 5 का भाग 1, 5 में 1 बार और 25 में 5 बार। फिर 5 का भाग जाएगा 1, 1 और 5 में 1 बार। अब नीचे यहाँ पर 1-1 आ चुका है हमारे पास में, तो अब इन संख्याओं का हम क्या कर लेंगे, गुणनफल कर लेंगे। तो जो गुणनफल होगा वही इनका एलसीएम होगा। 2 × 2 × 5 × 5, 50 × 25, 25 × 50 और 50 × 100। तो 100 क्या आया है, हमारे अभाज्य गुणनखंड जो है इनका गुणनफल आया है। ये हमने यहाँ पर 100 लिख दिए, ये हमारा एलसीएम आया है लघुतम समापवर्ती इन तीन संख्याओं का। अब क्या करेंगे कि हर का भाग देंगे हम एलसीएम में, लस में किसका हर का भाग देंगे। तो 4 का भाग 100 में देंगे, 4 का भाग 100 में, 100 में देंगे हम किसका 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, 25 बार जाएगा और 25 को हम गुणा करेंगे किससे, अंश से गुणा करेंगे। अंश की संख्या, अंश की संख्या क्या है 3 है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 5 का भाग फिर हम 100 में देंगे, इनके सभी हरों का भाग देते हैं लस में, 5 का भाग 100 में, तो 5 × 2 = 10 और 0 भाग टूट की, इसको गुणा करेंगे किससे 4 से। उसके बाद में प्लस का चिन्ह है, 25 का भाग 100 में देंगे 4 बार और 4 को गुणा करेंगे अंश से 8 से, ठीक है। यहां पर हमारी जो संख्या आई है 25 × 3, 25 × 50 = 75 प्लस 20 × 4, 20 × 80 प्लस 8 × 4, 8 × 32 बटा में है 100, ठीक है। इन संख्याओं का आप क्या करेंगे, योग कर लेंगे हम। तो 2 और 5 कितना हो गए, ये हो गए 7, 3 और 7 = 10, 10 और 8 = 18, 187/100, 187/100 हमारा जो है इस सवाल का आंसर आया है। अगर हम इसको मिश्र भिन्न में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो 100 का भाग 187 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 87 शेषफल बचेगा बटे 100, 187/100 भी सवाल का सही आंसर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।